यार दोस्तों, हम लोग बात करते हैं गौरैया प्रजाति अचानक से खत्म क्यों होने लगी। लोगों दोस्तों, हम लोग के बीच में एक भ्रम सा फैला कि 5G के कारण गौरैया प्रजाति खत्म हो रही है, उसके सिग्नल के कारण गौरैया प्रजाति को हम लोग खत्म कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये इंसान है और इंसान अपनी बातों को किस तरीके से टाल देता है दूसरी चीज़ों पर, ये हम लोग देख सकते हैं। दोस्तों, अगर हम लोग इंसानों की तरफ देखें तो कभी ये नहीं कहेगा कि हमने भाई खेतों में बहुत सारा कीटनाशक पदार्थ यूज किया जिसके कारण वो छोटे कीड़े जिसको गौरैया अपना भोजन बनाती थी वो खत्म हो गए, ये कभी नहीं कहेगा। दोस्तों, इसी पे हम लोग जब आगे बात करेंगे वो कभी नहीं कहेगा कि भाई मैंने अपने मकान बनाने के लिए पेड़ों को काट दिया, कभी नहीं बताएगा। कभी नहीं बताएगा कि दोस्तों हमने अपने शहरीकरण के लिए पूरे के पूरे जंगल साफ करवा दिए। दोस्तों, ये चीज़ें बहुत ही बड़ी कारण है गौरैया प्रजाति के खत्म होने की। हम लोग सोचते हैं कि भाई हम लोग अपना एक घर बनाएंगे, अपने घर में रहेंगे, लेकिन हमने पता नहीं कितने जानवरों का घर उनसे छीन लिया है, उनसे अलग कर दिया कितने जानवरों का घर। दोस्तों, जब हम लोग इसी पे आगे बात करते हैं तो पता चलता है यार केवल उसी कारण नहीं, प्रदूषण, प्रदूषण जो होता है दोस्तों, ध्वनि प्रदूषण पहले से बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि वाहनों के इतने ज़्यादा हॉर्न, म्यूज़िक, डीजे सिस्टम, ये काफ़ी ज़्यादा हानिकारक हो चुके हैं। ये हम इंसानों को तो भले से इंटरटेन करते हैं लेकिन हमारे अगल बगल वातावरण, नेचर, इन सबको काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल करता है। दोस्तों, क्रैकर्स की बात कर लेते हैं, किसी भी फंक्शन पर क्रैकर जब यूज किया जाता है तो उससे निकलने वाला धुआं काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह होता है। वहीं पर दोस्तों, जब हम लोग जल प्रदूषण की बात करते हैं तो जितने भी जानवरों के साथ हम लोग अनहोनी करते हैं, उनका ब्लड जब जल में जाके मिलता है तो जल भी प्रदूषित होता है। केवल वही एक कारण नहीं है, फैक्ट्रियों से निकलने वाले कचरे, मलबे जब जल में जाते हैं तो वो पानी को प्रदूषित करते हैं, वो भी एक कारण है जिसके कारण हमारे अगल बगल की प्रजातियाँ खत्म होती जा रही हैं। लेकिन दोस्तों, हम लोग ने एक टाइटल दे दिया कि भाई 5G टावर लगने के कारण गौरैया प्रजातियाँ खत्म हो रही हैं। मतलब और देशों में तो नहीं खत्म हो रही थी क्योंकि उन्होंने अपने इकोसिस्टम का ध्यान रखा है, लेकिन हमारा भारत, जो कि हमारा भारत सबसे ज़्यादा अच्छा था, सबसे ज़्यादा जंगल था, सारी ऋतुएँ यहीं पर मिलती थी, ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, सारी सीजन का लुत्फ़ हम लोग यहाँ उठाते थे। आज वो सीजन बदलते हुए दिखाई देते हैं, गर्मी अत्यधिक पड़ने लगी है पहले से कहीं ज़्यादा, ठंडी का वो असर नहीं दिखता है, बारिश कभी भी आ जाती है। मतलब कहने का यही है कि दोस्तों, जब भी हम लोग देखते हैं इधर उधर तो समझ में आता है यार क्या से क्या कर रहे हैं हम लोग इंसान। दोस्तों, इंसानी बस्ती बढ़ने के कारण आपको पता होगा कि भारत की जनसंख्या 150 करोड़ के लगभग में है, नंबर 1 पर हम लोग हैं जनसंख्या में। दोस्तों, इंसान कभी भी अपनी जनसंख्या कम करने की नहीं कोशिश करता है, कभी नहीं कोशिश करता है कि हम अपनी जनसंख्या लो रख लें, क्योंकि दोस्तों अदर देशों में देखोगे अमेरिका सबसे लार्जेस्ट एरिया में आता है लेकिन उसकी जनसंख्या केवल और केवल 30 करोड़ है। मतलब कि इंसान कभी ये नहीं सोचता है कि भाई हम भी अपने नेचर का ध्यान रखें, वो खासकर भारत का इंसान है। दोस्तों, भारत का इंसान इस कदर अंधा होता जा रहा है अपनी चीज़ों को लेके कि वो अपने अगल बगल के नेचर, अपने इकोसिस्टम को ध्यान में रखना ही भूल गया है। दोस्तों, वो अपने लालच के कारण खेतों में इतने ज़्यादा कीटनाशक यूज करता है कि खेत की ज़मीनें भी बंजर होने लगी हैं और उससे निकलने वाले कीड़े जो कि पक्षियों के खाना बनते थे वो कीड़े भी खत्म हो जाते हैं जिसके कारण वो पक्षी भी मारे जाते हैं। लेकिन दोस्तों, ये सब चीज़ें हम लोग नहीं ध्यान देंगे। दोस्तों, यहाँ तक कि जल प्रदूषण आप लोगों को पता ही होगा कि हमारी एक से एक अच्छी नदियाँ जिनके पानी सबसे ज़्यादा है, अगर हम लोग देखे जाए तो हमारे देश में सबसे ज़्यादा शुद्ध पानी हो सकता है, लेकिन दोस्तों हमारे देश का सबसे ज़्यादा शुद्ध पानी फैक्ट्रियों से निकलने वाले मलबे, कचरे, इन सब के कारण एकदम से दूषित हो चुका है। यहीं पर हम लोग जब देखते हैं दोस्तों कि काफ़ी ज़्यादा हम लोग को तकलीफ़ें होने सामना करना पड़ता है, यहाँ तक कि दोस्तों लंग कैंसर एक्सेट्रा बहुत सारी बीमारियां भी हम लोग को ही हो रही हैं। लेकिन हम लोग को दोस्तों एक अलग ही लेवल की चीज़ें दिखाई देती हैं या दिखाई दी जा रही हैं या सुनाई दी जा रही हैं। दोस्तों, हम लोग अपने जंगलों को कटने के लिए भी आवाज़ नहीं उठा पाते, जैसे उसी जंगल में एक हास्यदेव जंगल है, उस जंगल का काटा जा रहा है, अडानी ग्रुप के द्वारा काटा जा रहा है, लेकिन दोस्तों उसके खिलाफ हम लोग एक शब्द भी नहीं उठा रहे हैं। अडानी ग्रुप के द्वारा वो जंगल जब काट के डेवलपमेंट किया जाएगा उसके खिलाफ हम लोग को उठाना चाहिए यार, हम लोग की बहुत सारी प्रजातियां खत्म हो रही हैं। हम लोग ने आसपास के जंगलों को लगाना बंद कर दिया है, आसपास पेड़ों को लगाना बंद कर दिया है क्योंकि भाई हम लोग को वो पत्थर के मकान की शोभा ज़्यादा अच्छी लगती है दिखाने में, लेकिन अपने घर के आगे एक पेड़ लगाने में काफ़ी दिक्कतें महसूस होती हैं। लेकिन अगर आप अपने घर के आगे एक पेड़, हर घर के आगे एक पेड़ लगने लगे दोस्तों, तो ये बात याद रखिएगा कि हम लोग अपने आसपास की खत्म होने वाली पक्षियों की प्रजातियों को बचा सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा उनको अच्छा वो एटमॉस्फेयर दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों, हम लोग ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि हम लोग तो दोस्तों सबसे ज़्यादा स्वार्थी हो चुके हैं इस पृथ्वी पे।
इस पृथ्वी में भारत में रहने वाला इंसान सबसे ज़्यादा स्वार्थी है। उससे अगर आप कहोगे भाई आप अपनी जनसंख्या पे कंट्रोल करो, नहीं करेगा। उससे आप कहो अपने शहरीकरण पे कंट्रोल करो, नहीं करेगा। उससे अगर आप कहोगे भाई जंगलों को कटने से रोक देते हैं, यहाँ पर हम लोग बसते नहीं हैं, ये जंगल को रहने दीजिए, इस जंगल का विस्तार कम मत करिए, नहीं करेगा। दोस्तों यहाँ तक कि जंगलों में भी आप धर्म अधर्म की चीज़ें लेके घुस रहे हैं। जंगलों से क्या लेना देना है यार, धर्म अधर्म का उसको साइड में करिए। जंगल को बचाना हमारा सबसे मेन प्रायोरिटी होना चाहिए। आपको पता है कि जंगल अगर कट जाएंगे हमारे ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा, हमारे अगल बगल का ऑक्सीजन का जो क्षमता है वो कम होगी, हमारी ध्वनि जो ये ध्वनि इतनी ज़्यादा हो चुकी है दोस्तों, इसके कारण बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है। दोस्तों इसमें क्रैकर्स का भी यूज कर सकते हो। क्रैकर्स देखिए किस तरीके से बनाए जाते हैं और वो क्रैकर्स कितने ज़्यादा हानिकारक होते हैं। कहने का मतलब यही है कि क्रैकर्स आप दीपावली होली इन सबको छोड़ के भी अदर फंक्शन से भी जलाए जाते हैं, न्यू ईयर के टाइम पे पूरे वर्ल्ड में जलाए जाते हैं। लेकिन दोस्तों इन्हीं क्रैकर्स के कारण निकलने वाले धुएं के कारण, एक बात ये याद रखिएगा, मैं किसी भी फंक्शन को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि इस तरीके की चीज़ों से अगर हम लोग जितना दूर रहेंगे उतना हम लोग अपने नेचर को सेफ रख सकेंगे। दोस्तों इसी नेचर को सेफ रखने के कारण हम लोग अपनी पृथ्वी को बचा सकते हैं। लेकिन दोस्तों अब हम लोग ऐसा क्यों करेंगे, मुझे ये नहीं समझ में आता है। हम लोग को करना चाहिए जबकि ऐसा कि यार अपने नेचर को बचाना चाहिए, अपने नेचर के लिए अच्छे से काम करना चाहिए, अपने नेचर को ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन दोस्तों हम लोग ने अपने नेचर का ध्यान रखना ही कम कर दिया है। नेचर एक बहुत ही अच्छी चीज़ थी जिसने हम लोग को बचाए रखा था, जिसने बहुत सारे रोगों को रोक रखा था। लेकिन दोस्तों साइंटिस्टों ने सर्च करने के कारण ग्लेशियर में रहने वाले वायरसेस पर भी सर्च करना चालू कर दिए हैं कि मतलब आने वाले टाइम पे इंसानी प्रजाति कैसे नष्ट होगी, ये हम लोग अपनी आंखों से देखेंगे। लेकिन दोस्तों अभी अगर आसपास में आप मेरी बातें सुन रहे हो और आपको मेरा ये मैसेज सुनने में अच्छा लग रहा हो कि यार किस तरीके से हम अपने आने वाले पक्षियों को प्रजातियों को बचा सकते हैं, तो बचा सकते हैं दोस्तों। क्योंकि अपने आसपास पेड़ जरूर लगाइए, एक पेड़ दो पेड़ छोटा बड़ा कुछ भी रहे दोस्तों, कम से कम 5 से 7 फीट तक उसकी हाइट तो जरूर रहनी चाहिए, जिसके कारण आप छोटी छोटी चिड़ियों की प्रजातियों को बचा सकते हो। आप नहीं ज़्यादा कुछ कर सकते हो तो आप अपने छतों पर ले आइए, बड़े वाले गमले ले आइए, उसमें उन पेड़ों को लगाइए, लेकिन उनको बचाइए, क्योंकि बचाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। अगर आपने नहीं बचाया तो ये याद रखिएगा कि पृथ्वी पे भारत सबसे ज़्यादा विस्फोटक होगा, क्योंकि भारत की जनसंख्या सबसे ज़्यादा विस्फोटक हो चुकी है दोस्तों। 150 करोड़ की जनसंख्या है, अपने आपके क्षेत्रफल के हिसाब से आपके पास ज़्यादा चीज़ें और ज़्यादा जगह नहीं बची है, तो आप लोग को ज़रूर सोचना चाहिए मेरी इस बात को। और ये मैसेज आप लोग को मेरा अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और एक बात जरूर बताइएगा कि क्या गौरैया के खत्म होने के कारण 5G टावर है या हम इंसानों का बेतुका डेवलपमेंट है जो जंगलों को ख़त्म किए जा रहा है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।